Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। कराची की बात का ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है आपकी जानिब से, जिसका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें हमारे व्यूवर्स ईमेल करके बता रहे हैं कि वो हमारे डायलॉग सेशंस और ख़ासतौर पर मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जब हम जा रहे हैं तो वहाँ जब मुख्तलिफ़ लोगों से बात हो रही है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ शख्सियात से जो मुलाकातें हो रही हैं, ये सब आपको बहुत पसंद आ रहा है। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स इस बात का है कि आप चाहते हैं कि कराची में होने वाले डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट हैपनिंग्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई जाएं। तो हम इंशाल्लाह ज़रूर कराची में होने वाली हर मस्बत सरगर्मी को आप तक पहुंचाएंगे। हमें उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत पसंद आएगा। नाज़रीन, कराची की बात में डायलॉग सेशन के सिलसिले में आज हम आए हैं एसएम लॉ कॉलेज में, और एसएम लॉ कॉलेज के बहुत ही काबिल स्टूडेंट इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये बहुत तारीखी कॉलेज है, यहाँ से पाकिस्तान के नामवर वकला निकले हैं, नामवर जजेस, इवन चीफ जस्टिस जो हैं वो यहाँ से निकले। और जिस तरह से मुख्तलिफ चीफ जस्टिस जब अपना जिक्र करते हैं, तालीमी दौर का जिक्र करते हैं, एसएम लॉ कॉलेज का जिक्र करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सामने जो इस वक्त नौजवान बैठे हुए हैं, ये भी कल बहुत मशहूर कोई वकील होंगे, मशहूर सियासतदान होंगे, जस्टिस बनेंगे, और आप भी चीफ जस्टिस बनेंगे। कराची की बात के सिलसिले में आज हम बात करने आए हैं कि कराची में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं और पुलिस का क्या रोल रहा है और क्या रोल है। इस शहर ने बेइंतहा खौफ देखा है, दहशत देखी है, क्राइम देखा है, और ऐसा वक्त रहा है कि जब लोग सुबह उठ के गिनती पूछते थे कि पिछले दिन जो है वो कितने लोग मारे गए हैं। सन्नाटा देखा है, रोशनियों के शहर में ऐसा देखा गया है कि रोशनी बिल्कुल नहीं है। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? बुनियादी तौर पे तो पुलिस की और लॉ इन्फोर्समेंट की थी कि वो कराची में अमन कायम करते। हम अगर कहें ये बात तो गलत ना होगी कि एक टाइम ज़रूर ऐसा गुजरा है कि जब ये इदारे बहुत ज़्यादा नाकाम रहे हैं, फेलियर रहा है वहाँ पे। लेकिन पिछले ख़ास तौर पे एक दो सालों से कराची ऑपरेशन की सूरत में हमें तारीफ भी करनी होगी कि इन इदारों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, और आज कराची में अमन है। कराची में आपको अमन नज़र आता है हर जगह, लेकिन मुकम्मल अमन नहीं आया है। खौफ कैसे ख़त्म होगा, उसमें पुलिस का क्या रोल हो सकता है? कराची को देरपा अमन देने के लिए जो है यहाँ जो लॉ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो क्या मशवरा देंगे? हम इस डायलॉग सेशन में कोई गेस्ट नहीं बुलाते, बल्कि हम डायलॉग यूथ के साथ करते हैं कराची की बात में, ताकि ये नौजवान जिनको मीडिया पर मौका नहीं मिलता है, ये नौजवान आगे बढ़ें, अपने ख्यालात का, जज्बात का भरपूर अंदाज में मुजाहिरा करें। और आज इसी सोच और जज्बे के साथ मेरे सामने ये काबिल नौजवान बैठे हुए हैं। तो जनाब, आपसे आगाज़ करते हैं, फरमाइए। पुलिस एक वाहिद डिपार्टमेंट होता है जो कि ओवरऑल पब्लिक के लिए एक किस्म का रिलीफ होता है। एक बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, छोटा सा बच्चा, मैं मिसाल देना चाहूँगा, अगर वहाँ पर उस बच्चे को कोई और तंग करता है या मारता है तो फ़ौरन टीचर के पास चला जाता है कि ये मुझे तंग करा, अब इसको समझाएं या इसको पनिश करें, क्योंकि उस बच्चे की निगाह में वो एक इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है। तो हमारे लिए एक पब्लिक में, हमारे लिए एक इन्फोर्समेंट एजेंसी की अगर बात करेंगे, हमारे लिए रिलीफ की बात करेंगे, दैट इज़ द पुलिस। और वो पुलिस हर जगह पर हर तरह से फेल हो रही है। फेल क्यों हो रही है? ड्यू टू द करप्शन, कुछ ऐसे अंसर पुलिस डिपार्टमेंट। मैंने ये नहीं कहना चाहूँगा कि ओवरऑल पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट, नो, नेवर एट ऑल। हम बात करेंगे, मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा फॉरेन कंट्रीज की, वहाँ पर ऐसे क्राइम्स हमें देखने को नज़र नहीं आते, वहाँ पर दिन ब दिन दिन दिहाड़े किसी की स्नैचिंग होती नज़र नहीं आती,
वहां पर क्यों नजर नहीं आती, क्योंकि वहां पर जो एक वाहिद और इम्पोर्टेंट पुलिस डिपार्टमेंट वो एक्टिव है और वो प्रॉपरली काम कर रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्नैचिंग का मसला नहीं, यहाँ पर मंशियात बेची जा रही हैं जिसमें छोटे से छोटे बच्चे वो उस चीज़ में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। पुलिस के होते हुए ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्यों पहुँच रही हैं और कहाँ से जा रही हैं, क्यों ये सब कुछ यूज़ हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पुलिस ऑफिसर को डिफाइन करना चाहता हूँ कि लॉ ने पुलिस ऑफिसर को कैसे डिफाइन किया है। लॉ डिफाइन करता है पुलिस ऑफिसर को दैट पुलिस ऑफिसर इज द कस्टोडियन ऑफ द सोसाइटी। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि उनको 10-10, 20-20 रुपए लेके अपना ईमान बेचना चाहिए। जो करंट सिचुएशन है कराची में, लोगों को इतना डर स्नैचिंग वालों से नहीं लगता। जब पुलिस वाला उनको हाथ देके उनका टाइम वेस्ट करता है, कोई इमरजेंसी में है, कोई कहीं हॉस्पिटल किसी को हरी जाना होता है, वो रोके, फॉर्मेलिटी सब होती है, सब फॉर्मेलिटी होती है, वो पैसे लेके फिर 150-200 उनसे लेके वो चले जाते हैं। और दूसरा ये है कि पुलिस एक लॉ प्रोवाइड किया गया है, हर CRPC है, CPC है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। मुलजिम एक है, उसके माँ भाई को पकड़ लेते हैं, उसके चाचा को पकड़ लेते हैं, कोई और बंदा जो फैमिली से रिलेटेड है या कोई हाई रैंक पे तो उसको पकड़ लेते हैं। डायरेक्ट मुलजिम को नहीं पकड़ते जितने के क्राइम किया है, क्योंकि किसी की लिबर्टी को आप कैद करना, ये दिस इज द रॉन्ग एंड दिस इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सर इस पर मैं एक शेयर कहना चाहता हूँ जी। कौन कहता है मैं खराब हूँ, हर कोई कह रहा है जमाना खराब है। वाह वाह, दो एक ही मशीन के पुर्जे नहीं खराब, यहाँ तो अवे का अवा ही खराब है। वाह जी वाह। जिस तरीके से सब इदारों में करप्शन है, कहा जाता है बारिश की एक बूंद बरसती है फिर बारिश होती है, अगर हम अपने आप को सुधारेंगे तो हमारा माशरा भी सुधरेगा। मैं तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्शन रेज करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक पुलिस वाले का बेटा हूँ। माशाल्लाह। देखें अगर दरिया में, ये आपने जो माइंडसेट बनाया हुआ है कि अगर एक दरिया एक मछली ख़राब है तो पूरा दरिया ख़राब, ये जो माइंडसेट बना हुआ है ये माइंडसेट ऑब्वियसली गलत बना हुआ है। देखें मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ, मुझे कभी ये नहीं सिखाया गया कि करप्शन करो। देखें कभी आप इंडिविजुअली किसी डिपार्टमेंट को हिट नहीं कर सकते, हालांकि कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा लो वहाँ पर कलेक्टिवली मसले हुए हुए हैं। इफ़ आप कहते हैं कि पुलिस में करप्शन है तो ये किसका कसूर है? आपकी गवर्नमेंट के, जिसको आप वोट देते हो। अगर उनको चाहिए कि पॉलिटिक्स जो चल रही है पुलिस में वो ख़त्म की जाए तो आज मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनकी वजह से कराची में अमन कायम हुआ है। पुलिस का इदारा या कोई भी इदारा कि जो एहतसाब की बात करे, कि जो हक व इंसाफ की बात करना चाहे, वो ठीक क्यों नहीं होता? गवर्नमेंट से क्यों ठीक नहीं करने देती? वो इसलिए नहीं करने देती क्योंकि अगर ये इदारा या इस तरह के बहुत सारे इदारे मौजूद हैं, ये अगर मेरिट पे आ गए, ये अगर ईमानदारी पे आ गए, तो फिर हमारे लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम जो है वो कैसे हुकूमत करेंगे, हम जो है वो कैसे जो है वो सब कुछ चलाएंगे जो हम चला रहे हैं? तो इसीलिए इन इदारों को ठीक नहीं किया जाता। क्या ये बात मैं ठीक कह रहा हूं? मैं उससे जरूरी नहीं कि मैं ठीक कह रहा हूं, तो आप मुझे बताएं क्या ये बात मैं ठीक कह रहा हूं? पुलिस ऐसी डिपार्टमेंट है कि काफी हद तक उसमें इंप्रूवमेंट आई है। मैं बलूचिस्तान से यहां आता हूं तकरीबन 2-2.5 सालों से, मैंने काफ़ी कराची के माहौल को चेंज पाया है। जो कुछ सुना था इसके बारे में कि आप लोग कराची न जाया करें, वहाँ के लोग नहीं आते थे, कि यहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हैं और ज़्यादातर इसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व होते थे, लेकिन जहाँ 2 साल रहने के बाद ये पता चला है कि अब हालात काफ़ी ठीक हैं और पुलिस को ज़्यादातर ख़राब करने के जो हकदार वो यहाँ का जो पब्लिक है, वो सोसाइटी है जहाँ पे रहती है वो भी है, क्योंकि उनको रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉ का पता नहीं होता। और उनको अगर रूल और रेगुलेशन और लॉ का पता हो जाए तो वो डेफिनेटली उसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जिसके पास भी मेरिट होगा वो कभी भी पुलिस में जाना नहीं चाहेगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब से ये शो स्टार्ट हुआ है सिर्फ पुलिस के अगेंस्ट में ही बातें हो रही हैं। जिसके पास, अगर मेरे पास मेरिट है तो मैं क्यों पुलिस में जाऊँ जब इतने लोग अगेंस्ट हैं? अगर मेरे पास नहीं, आप इसलिए जाए ना क्योंकि आप फिर साबित करेंगी कि भाई पुलिस में मेरिट मौजूद है, पुलिस में अच्छे लोग जा सकते हैं। आप इसके खिलाफ जो है, जिसके पास भी क्वालिफिकेशन होगी वो जाना ही नहीं चाहेगा। इसकी रीजन यही है कि कभी अप्रिसिएशन मिलती नहीं है पुलिस मैन को। आप जैसे लोग जाएंगे तो अप्रिसिएशन मिलेगी, आप जैसे लोग नहीं जाएंगे तो अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। पुलिस भी वर्क करती है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए जरूरी है कि अगर उनको इतना डिमोटिवेट किया गया तो उनके कुछ। देखिए डिमोटिवेट कहीं नहीं किया जा रहा, हम तारीफ भी कर रहे हैं पुलिस की। हमने जो पुलिस ने सबसे ज्यादा शहादतें दी उन्हें खराज तहसीन पेश किया। और जिस तरह एक पुलिस वाला जब सदर वजीर आजम कराची आ रहे होते हैं और वो बेचारा ड्यूटी पे पूरे दिन खड़ा हुआ होता है,
या ट्रैफिक सिग्नल पर जो एक पुलिस वाला पूरे दिन धूप के अंदर बगैर पानी पे खड़ा होता है, तो क्या उस तरह आप खड़े हो सकते हैं? तो उसको तो खराज तहसीन पेश करें भाई, जबरदस्त क्लैपिंग के अंदर हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि जो सबसे ज्यादा कुर्बानी हमारी पुलिस ने दी है उनके शोधा को, वो शहीद होके उन्होंने हमारे शहर को बचाया है कई मौकों पर। दूसरा, हम देखते हैं धूप के अंदर पुलिस वाले खड़े हुए हैं, तवील टाइम खड़े हुए हैं, उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। एक बात जो है वो हुकूमत ने भी समझनी होगी और पुलिस ने भी समझनी होगी और इवन रेंजर्स ने भी समझनी होगी और तमाम फोर्सेस ने समझनी होगी कि असल जो हथियार हैं आपके, वो आपके पास जो इक्विपमेंट है वो नहीं है, असल हथियार अवाम है। अगर अवाम आपके दोस्त हैं, अगर अवाम ये समझते हैं कि थाने में जाकर हमें अमन मिलेगा, अगर थाने में हमारी बात सुनी जाएगी, थाने में कोई हमें फ्रेंडली तौर पे वेलकम करेगा, अगर हम किसी को कॉल करके बताएंगे जनाब कि हमारे बराबर वाले घर के अंदर जहाँ दो अफराद रहते हैं लेकिन उस घर में 40 रोटियां जा रही हैं तंदूर से, तो शक हो रहा है हमें कि इस घर में कौन है, तो आप कॉल करेंगे अगर आपको एतमाद होगा। तो आप असल में ताकत हैं, आप हाथ पैर हैं पुलिस के, हुकूमत के अमन लाने के लिए, लेकिन उसके लिए पुलिस को और हमारे तमाम इदारों को वो फ्रेंडली ट्रस्ट देना होगा कि आप जो हैं वो बिला झिझक जो हैं अपने लिए सबसे ज़्यादा एतमाद की जगह, सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ की जगह जो है वो पुलिस को समझें। और ये नज़र आए शहर के अंदर कि आवाम जो है, नौजवान जो हैं वो पुलिस के साथ, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ खड़े हुए हैं। तो आप लोग भी यही चाहते हैं जनाब कि आप जो हैं वो हाथ पैर बन जाएँ पुलिस के और इस शहर में अम लेकर आ जाएँ, उनके साथ मिलकर जो है अम कायम करें। जरा क्लैपिंग में बताएँ ज़बरदस्त। और पुलिस के लिए बस मैं शेर कहूंगा कि मेरे खुदा मुझे तारिक का हौसला हुआ था, मेरे खुदा मुझे तारिक का हौसला हुआ था, जरूरत आ पड़ी है कश्तियां जलाने की, और शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की। थैंक यू। इस वक्त मिलने के लिए बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। पाकिस्तान की पहली खातून लॉ मिनिस्टर, विफाक में भी, सूबे में भी जी हाँ। और आपसे एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है, आपके नाना हुसैन शहीद सरवर्दी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, और उससे बढ़कर बात यह है कि तहरीक पाकिस्तान में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी हाँ। तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और आपने ख़ासतौर पर इस शहर बंगाल में, बिल्कुल बंगाल में और यहाँ पे और कराची में आपको आपने देखा, इसकी हिस्ट्री देखी। तो हम क्योंकि फोकस कराची पर हैं और कराची की बात कर रहे हैं, तो कराची को जब आप अपने बचपन में सोचती हैं तो कैसा याद करती हैं कराची को? कराची तो खैर उस वक्त बहुत छोटा सा शहर था लेकिन बहुत साफ़ सुथरा। सबसे बड़ी चीज़ कराची की थी कि उसकी सफाई। सुबह के वक्त हमें याद है कि बाकायदा पानी के टैंकर्स मूव करते थे और रास्ते हमारे धुलते थे उस समय, ठीक है। किनारे जो होते थे कभी उसमें कूड़ा नहीं नज़र आता था, किनारे बाकायदा सुबह सवेरे अलग सुबह तकरीबन 4-5 बजे आते थे, सफाई करके चले जाते थे। जब हम स्कूल के लिए निकलते हैं हर चीज़ साफ शफाफ, तो वो चीज़ अब नहीं नज़र आती। दूसरा है कि नज़्म व ज़ब्त ज़्यादा था, हालांकि लुट के, कट के, मर के बहुत सारे लोग यहाँ, यानी उनकी ख़ानदानें लुट गई, मिट गए, मगर फिर भी जिस हालत में यहाँ पहुँचे बर्दाश्त बहुत था। वाह। और एक दूसरे का क्या बर्दाश्त, उस ज़माने में मोहब्बत भी ज़्यादा नज़र आती थी क्योंकि यहाँ पे जितने मुकीम लोग थे उन सब ने बड़ी मोहब्बत से हम सब से पेश आए, और कराची में बड़ी मोहब्बत मिली यहाँ पर। और हम कराची की डाइवर्सिटी की अगर बात करें, ऐसे आज भी हम जो मिनी पाकिस्तान कहते हैं, ये पाकिस्तान ना कहें इसको, इसको पाकिस्तान का शहर कहें, दारुल खिलाफा था, बिल्कुल मिनी पाकिस्तान कहते हैं कि इसका मतलब दो किस्म के पाकिस्तान थी, ये मैं इस पे अच्छा, मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि उस वक्त हम देखें तो कितनी डाइवर्सिटी मजाहिब के हवाले से थी कि जो पहले से यहाँ लोग रहते थे, और फिर उसमें देखिए उस वक्त कोई मजहब की बात नहीं सोचता था, उस वक्त इंसानियत का तकाजा था। हमने मजहब के बिना पे तासुब का शिकार बने थे हम इसमें हिंदुस्तान में, उस तासुब वो मजहबी तासुब था,
तो उससे जब हम आए यहाँ तो अज़म ये था कि ये मुल्क मुसलमानों की नुक्ते नज़र से होगा जिसमें तासुब नहीं है, ना अरबी ना अजमी, साफ बात। तो नतीजा उस मुस्लिम यूनिवर्सलिज्म में हम यहाँ पे आए हैं, हम सबको समेट के ले जाएंगे। उसमें तसव्वुर ये नहीं था कि हम सिर्फ मुसलमान और मुसलमान में ताल्लुक होगा, इसमें जितने यहाँ और इतने ईसाई थे यहाँ, पारसी फैमिलीज थी, बुद्धिस्ट फैमिलीज थी, जूश फैमिलीज भी थी, बुद्धिस्ट फैमिलीज के अलावा सिख्स भी यहाँ थे। तो नतीजा था कि हम जब जाते थे स्कूल में, कोई ये नहीं पूछता था कि आपका मज़हब क्या है। जो हमने नस्ल परस्ती और मज़हब के जो दो अंसर समझिए, मज़हबी तनाव, फ़िरकावारियत, ये हमने देखा है 1960 से शुरू होता है। अच्छा, 60 से, यानी आप कहती हैं उससे पहले से स्टार्ट हो गया। जी ठीक है। बहुत बड़े ऐसे तनाज़े हुए, गुजरनाला उसमें बहुत मशहूर हो गया, जहाँ पे नस्ल और दर नस्ल बाकायदा लड़ाइयाँ हुई, फसाद पैदा किए गए, क्योंकि एक किस्म की साजिश थी कि नस्ल परस्ती को हवा दी जाए और फ़िरका वारियत को हवा दी जाए और ये मज़हब के जो मामले हैं उलझ जाएँ। आप क्या समझती हैं कि ये फैसला कि कैपिटल चेंज हुआ कराची के बजाय जो है इस्लामाबाद लेके जाया गया, ये क्या दुरुस्त फैसला था? मेरे ख्याल में अगर आज हम अपनी नज़र वापस तारीख पे ले जाएं तो गलत फैसला था, बहुत गलत, क्योंकि वो ऐसी मरकज़ थी जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान और मग़रिब पाकिस्तान के लिए वो एक सेंट्रल पोजीशन थी। आम तौर पे जहाज़ वाजे बड़े आसानी से आ सकती थी और पानी के जहाज़ से आना सस्ता है, हवाई जहाज़ से आना मुश्किल है, ठीक है, महंगा पड़ता है। तो जब आपने यहाँ से कैपिटल इस्लामाबाद लेके गए, आपने वो जो अवामी रवाबित थे वो बहुत खास तौर पे आपने अपने दूर के सूबे को और दूर कर दिया, और दूर कर दिया, मुश्किल बना, उनके लिए महंगा बना दिया कि वो राबता रखे अपने दारुल खिलाफा से। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कराची को क्या नुकसान हुआ? कराची से दारुल खिलाफा चला गया, कराची को क्या? कराची को मैं, मेरे नज़र में नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कराची, क्योंकि वो पोर्ट बंदरगाह के पास है, तो उसकी अहमियत को कभी नहीं कोई ले सकता, बल्कि सारी दुनिया में बंदरगाहें जो हैं वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होती है। सारी दुनिया कोशिश करती है कि हमारा भी ऐसा मुल्क हो जिसमें साहिल हो और साहिल के साथ हमारी बंदरगाह हो। तो पाकिस्तान, कराची की जो अपनी अहमियत थी वो कभी जा ही नहीं सकती। हमारे बच्चे जो हैं नौजवान, हमारी नस्ल जो है, हमारी समझिए कि जो हमारी जान है, उसमें बहुत सलाहियत है। जब वो एक चीज़ पर चलने लगती है और उसको बनाती है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेल करती है। ये सलाहियत पाकिस्तान की किसी दुश्मनों को नजर आई है, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको किसी तरह से दबा के रखें। कराची की और हमने गलती ये की कि हम उस समझिए कि उस लालच में आके एक दूसरे से टकरा गए। कराची के अम की बात करते हैं लास्ट में, कि आपको क्या नज़र आ रहा है कि बहुत खौफनाक दिन और बहुत खौफनाक रातें इस शहर ने देखी हैं और एक पूरी नस्ल बड़ी हुई है इस दहशत के अंदर, खास तौर पर वल्नरेबल एरियाज जो है कराची के, उधर तो बहुत ज़्यादा। अब आपको क्या महसूस होता है कि कराची में एक बार फिर जो है वो भरपूर अमन होगा, बर्दाश्त होगी, लोग मिलजुल के रह सकेंगे, तमाम राइट्स यहाँ मिल सकेंगे? अभी तक नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक तनाज़े हैं, सियासी हैं, नस्ली हैं, फ़िरकावारियत है, उसमें मज़हबी हमने बना दी, हमने तो कोई ऐसा दड़ार नहीं छोड़ा अपने मैदान में लाने के लिए। इन सब को समेटना है, इनके अंदर बहुत ज़ख्में मौजूद हैं, उन ज़ख्मों को बाकायदा उनको उनमें मरहम लगानी है, एक दूसरे दोस्ती करनी है, तब हम कह सकेंगे हम कौन करेगा ये सब कुछ। ये तो आवाम को भी करना होगा। देखिए, हम कराची में बंटे हुए हैं, ये बंटवारा किस लिए? कुछ मैं चाहूँगा कि आपसे जाते हुए कुछ मुस्कुराहट आपके चेहरे पे देख लूँ मैं तो उसके लिए जो है कोई अच्छी बात, कोई ऐसी बात कि ये सारे इश्यूज तो है लेकिन ये चीज़ मुझे कराची में एक ऐसी नज़र आ रही है कि भाई यहीं से जो है दिए से दिया जलेगा, यहीं से रोशनी का सफ़र आगे बढ़ेगा। तो नेचुरली हमेशा कराची आगे रही है सियासी सोच में, ये इसके इसका विरसा है। और अगर हम यहाँ पर इकट्ठा शुरू हो जाए और इस तरह ना इन छोटी चीज़ों के ऊपर हम ना सोचें मगर बड़ी चीज़ों पे आए। अभी भी तनाज़ा है मुल्क में, अभी भी तनाज़ा है हमारे सूबे में कि कौन एक
पार्टी आती है तो वो अपना चलाती, दूसरी पार्टी आती अपना चलाती। पार्टी इस जमहूरियत में अपना नहीं चलाती, वो मुल्क को चलाती है, तब फर्क पड़ता है। जब तक वो सिलसिला नहीं होगा, मेरे ख्याल से हम आवाम कैसे इकट्ठा होती है? जब आवाम इकट्ठा हो जाती है तो कोई आके तनाज़ा खड़े होते तो सब हक्का बक्का होके कोई एक तरफ बंटवारा कर दिया जाता है। इसको ख़त्म होना है, वरना यकीन मानिए नहायत ख़तरनाक मराहिल आने वाले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त हम हैं कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी में। हिजरत कॉलोनी में बेंता मसाइल हम सुनते आए हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पे बुनियादी सहूलतें जो हैं, जो हर शहरी का हक़ है, वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह रह रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि बिजली जो है वो कुंडे के ज़रिए हासिल की जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो कब्ज़ा माफिया बहुत ज़्यादा है, इनक्रोचमेंट बहुत बेनता है, और उसके साथ साथ कोई पार्क्स नहीं है। कुछ छोटे मोटे गेम्स होते हैं वो इस तरह से इन जगहों पे हो रहे हैं, जिसमें बच्चे और जो हैं वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं। सेहत की सहूलतें यहाँ पे नहीं हैं, और अमन अमान के हवाले से भी इस इलाके में बड़ा मसला रहा है, मंशियात भी इस इलाके में मौजूद है। तो माजी में हम देखते रहे कि अमन अमान की ख़राबी का बाइस जो लोग बनते थे वो भी इन इलाकों में आके छुपते रहे। तो ये मसले बेहतर रहे, एक वल्नरेबल एरिया है। यहाँ की काउंसलर फलक नाज साहब हमारे साथ हैं इस इलाके से। तो आप क्या समझती हैं कि क्या बुनियादी मसाइल हैं क्या यहाँ के? बुनियादी मसाइल ये हैं कि यहाँ पर गुरबत बहुत ज़्यादा है। यहाँ की आवाम जो है मेहनत करती है और मेहनत की उजरत उनको वैसे नहीं मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर मसाइल ये हैं कि एजुकेशन की बहुत कमी है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, और उसके अलावा यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए कोई पार्क और या ऐसे ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। प्ले ग्राउंड जो होने चाहिए यहाँ पर नहीं है, इसकी वजह से। आप तो काउंसलर हैं, आप क्या कर रही हैं? मतलब बल्दियाती निज़ाम तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और आपका सूबह सिंध की जो हुकुमरान जमात है उससे ताल्लुक है आपका? बिल्कुल है, हमने कोशिश की है। यहाँ पर एक पार्क तो बना है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है जगह नहीं है कि हम बच्चों के लिए। यहाँ बना है पार्क को? हमारा ए सेक्टर में बना हुआ है, वहाँ जा सकते हैं अभी? जा सकते जी, अभी हम आगे इनसे पहले थोड़ा बात कर लें कुछ दोस्तों से, फिर हम उस पार्क की तरफ भी जाएंगे, देखें तो ज़रा पार्क की क्या हालत है। जी भाई, आप बताएं, आप लोग यहाँ के एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं क्या मसला है? अमन अमान यहाँ पर अब सही है? अब कोई मसला तो नहीं अमन अमान के हवाले से? अमन व अमान तो बिल्कुल ठीक है, बट जहाँ तालीम ना हो वहाँ अमन व अमान कैसे होगा? यहाँ तालीम की बहुत कमी हो रही होती है, नौजवानों को बहुत मसाइल हो रहे होते हैं। जहाँ लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है और बच्चों के लिए भी कोई कॉलेज करीब नहीं है, तो दूर उनको जाया नहीं जाता, जिसकी वजह से अमन व अमान ख़राब हो रहा होता है। अच्छा, एक सवाल आता है, ये हिजरत कॉलोनी नाम क्यों है इस इलाके का? जी, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर हिजरत की थी और आए थे यहाँ पर, क्योंकि ये जगह पूरा समंदर था, इसको सुखा के उन लोगों ने यहाँ पे घर बनाए और यहाँ पे रहते, तो इसलिए इसको लाइक माइग्रेट हिजरत करके। ज़्यादातर किन इलाकों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पर हज़ारा से भी लोग आए हैं, सवात साइड से भी लोग आए हैं, पिशावर से भी आए हैं, पंजाब के और अंदरूनी सिंध से भी बहुत सारे लोग आके जो यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे घर बहुत सस्ते मिलते हैं, तो इसलिए लोग यहाँ पे आने में मतलब वो ज़्यादा वो करते हैं। ऐसी क्या वजह है? क्या वजह ये है कि यहाँ पे क्योंकि परमानेंट सिटीज़न नहीं रहते, लोग मुख्तलिफ इलाकों से आते रहते हैं, कब्ज़ा करते हैं, तो इसलिए इस इलाके में तवज्जो नहीं दी गई? नहीं रिजवान भाई, मसला ये है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको अपने हकूक का उसके लिए आवाज़ उठाना नहीं आता कि किस तरह से, वो इम्पावर नहीं है बेसिकली, तो अपने हकूक के लिए जो आवाज़ नहीं उठाते उनकी हालत फिर यही होती है कि उनका मतलब, आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे रोड की हालत आप देख रहे हैं बिल्कुल कच्चा है, धूल मिट्टी अगर गाड़ी स्पीड से जाए तो मिट्टी उड़ने लगती है, तो इनको मसला है कि हमारे जो एक तो कब्ज़ा कर करके रोड छोटा हो गया जो मेन रोड है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है कि जितना रोड है उस पर भी आधे रोड पर जो है वो मुख्तलिफ इंक्रोचमेंट हुई हुई है, ठेले वाले खड़े हुए हैं, रक्शे वाले खड़े हुए हैं, जहाँ चार गाड़ियाँ गुजर सकती थी वहाँ एक गाड़ी गुजर रही है, तो ये तो खुद आपके इलाके के लोगों का भी कसूर है, इंतजामिया पे क्या सवाल की बात है? तो हमारा अगर मैं आपसे वही अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, ये लोग आके इनको एक बार अगर प्यार से समझाएं, प्यार से तो खैर नहीं, सख्ती से ही चीज़ें काम होते हैं, तो जब ये इलाके में सख्ती होगी तो फिर जो है ये चीज़ें ठीक होंगी, कानून और उस पर अमल जो है यहाँ पर होगा। बेटा इधर इधर आना, आप इधर आए, बात सुने आप मैं अंदर देख रहा था ये डब्बू शब्बू और इस तरह के स्नोकर वगैरह खेले जा रहे हैं, तो खेलने की तो कुछ जगह है ही नहीं, आप क्या क्या खेलते हैं यहाँ पे?
बस यहाँ पे स्नोकर खेलते हैं, कभी कभी आ जाते हैं जब फ्री होते हैं तो यहाँ पे टाइम पास के लिए स्नोकर। और ये स्नोकर भी कब्जे की जगह पे बनी हुई है जगह, ये जगह जो है? जी जी हम जानते हैं यहाँ पे कब्जा हुआ। अच्छा, यहाँ पे कब्जा। तो आप बताएं जनाब कि हमें पार्क लेके चलें, जो हम पार्क चलते हैं और देखते हैं जो इस पार्क की तारीफ कर रही थी वो पार्क अब किस हाल के अंदर है। नाज़रीन पार्क की तलाश में एक तवील बाज़ार है जिससे गुजरते हुए हम आगे की जानब बढ़ रहे हैं और मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इस जगह पर इतनी बुलंद तो बाला 5 फ्लोर 4 फ्लोर जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें बनाने की इजाज़त कौन देता है इतने छोटे प्लॉट्स के ऊपर जो है, जबकि सीवरेज का यहाँ मसला है, पानी का यहाँ मसला है। तो जब इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बन जाएंगी तो फिर उसके बाद क्या हाल होगा? फिर पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है, फिर इंक्रोचमेंट है, फिर कहाँ तक जो है वो ठेले वाले आ गए हैं आगे। तो ये इलाके के एक बड़े मसले हैं। सब लीज़ पे पाबंदी है लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और बन भी रही हैं यहाँ पर। ये मुझे बताएं भाई, ये इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो बन रही हैं यहाँ पर, आप क्या समझते हैं सही है इस इलाके में बननी चाहिए यहाँ पे? इधर तो आबादी भी इतना ज़्यादा है और यहाँ पर तो पानी का भी मसला है, इधर भी गन भी, इधर जो है ना सफाई भी इधर है नहीं, मुश्किल लोगों को बहुत बड़ी मुश्किल भी यहाँ पर है। लेकिन अपना आबादी की, लेकिन सब आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर लोग बोल रहे हैं पानी का भी मसला है। ये फरमाएं कि इस इलाके में क्या आप समझते हैं कि जराइम पेशा अफराद भी रहते हैं? ये पता नहीं। अब इस इलाके में जराइम पेशा अफराद रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो शहर में जाके स्ट्रीट क्राइम करते हैं, वारदातें करते हैं, फिर यहाँ आके छुप जाते हैं, ऐसा कुछ है या नहीं है? जी भाई, यह पुरअमन इलाका है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है? नहीं भाई, सुकून है, अमन है, कुछ भी नहीं है ऐसा काम। सर आप बताएं जरा, अस्सलाम वालेकुम, फरमाएं जनाब के इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? नहीं कोई मसला नहीं इलाके में, इलाका सही। मसला है क्या इस इलाके में सबसे बड़ा? वो कह रहे हैं एक तो सुबह से लाइट गई, लाइट ही नहीं, एक फेज ही नहीं, लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है, वही कचरा। कुंडे भी तो लोगों ने डाले हुए हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। नहीं कुंडे खत्म कर दिए, कोई कुंडा यहाँ पर नहीं है। बिल लोग पूरा देते हैं यहाँ पे? बिल पूरा देते, बिल पूरा देते। आपने क्या करना है जिंदगी में आगे जाके? जी आगे जाके इंजीनियरिंग कोर्स करना है, इंजीनियरिंग में। इस इलाके का क्या मसले सबसे बड़े? सबसे पहले तो ये इधर पानी सही नहीं आता और ये कि हम खेलों के मैदान भी होने चाहिए इधर में। चलाओ खेल के मैदान में चलते हैं, आओ साथ आओ। आबादी के दरमियान जो ये पार्क है और आप इसी पार्क में ले जाना चाहती थी शायद हमें, तो इतनी बड़ी आबादी के लिए सिर्फ एक ये पार्क जो कि एनजीओज ने बनाया है, तो ये तो कोई मतलब बहुत सारे पार्क होने चाहिए थे। बिल्कुल होने चाहिए थे, लेकिन जगह की कमी से इतना ही सा बना है। और जो हमारे पास ग्राउंड था वो रेलवे वालों ने अपनी दीवार लगा के बंद कर दिया, हमारे बच्चे वहाँ पर। रेलवे का सामने ग्राउंड है एक जहाँ पे बच्चे बहुत खेलते थे और वहाँ पे एक्टिविटी होती थी, मैचेस होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन वो रेलवे ने डर की वजह से कि कहीं इस पर भी कब्जा ना हो जाए उन्होंने दीवार खड़ी कर दी है। नहीं डर की वजह से तो नहीं, कि ये जो है ना यहाँ पर पार्किंग बहुत ज़्यादा बाहर के एरिया के लोग आके पार्किंग वहाँ पर शुरू कर दी थी, इस वजह से उन्होंने हमारे जो बच्चों का कीमती जगह थी उसे। चलें बिल्कुल वजह सामने आ गई। तो नाज़रीन हिजरत कॉलोनी में जो जराइम पहले होते थे जिस तादाद में होते थे वो तो कमी आ गई है, जराइम पेशा अफराद जो हैं जो कि इन इलाकों में आके छुप जाते थे उसमें भी कमी आ गई है, मंशियात जो बेंता इस्तेमाल होती थी उसमें भी यहाँ पे कुछ कमी हुई है, लेकिन सब कुछ सही नहीं है और ख़ास तौर पर गुरबत एक बड़ा मसला है। दूसरे पाकिस्तानी दूसरे इलाकों से और ख़ास तौर पर KPK से लोग हिजरत करके जब आते हैं तो इसी हिजरत कॉलोनी में बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि इस इलाके पर तवज्जो दी जाए, जो कब्ज़े की जगह हैं उनको खाली किया जाए या उन पर कम से कम ये कि और जो ऊँची बिल्डिंगें बन रही हैं वो ना बनने दी जाएँ, उनको रोक दिया जाए। और इसी तरह से जब यहाँ पर आबादी आ ही गई है और रह रही है तो फिर ये बच्चे जो हैं ये गलत हाथों में ना चले जाएं, ये हमारे मुल्क के लिए सरमाया बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे जो स्कूल लेवल पे तालीम है वो उसका बहुत बुरा हाल है तो वो बेहतर की जाए। अस्पताल यहाँ पे नहीं है कोई, डिस्पेंसरीज जो हैं वो भी उनका भी बहुत बुरा हाल है तो वो खोली जाएं। एक यहाँ पे NGOs ने
किए का शुक्रिया कि उन्होंने एक ये पार्क बनाया है, लेकिन ये नाकाफ़ी है और इसको बेहतर करने की भी ज़रूरत है। तो इस तरह के बहुत सारे ग्राउंड्स होने चाहिए ताकि जो बुरे गेम्स हैं जिनको जो सही नहीं है सेहत के लिए और नुकसानदेह है, तो ताकि वो उस तरफ बच्चे ना जाएं, तो इन बच्चों को हमने बचाना है ताकि हमारा मुस्तकबिल महफूज हो सके। बेटा पाकिस्तान के लिए एक नारा लगाएं मिलके सब हम, हैं पाकिस्तान। कराची बहुत ही खूबसूरत शहर है और जितना ये खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ के लोग खूबसूरत हैं। आइए आप और हम मिलकर इस शहर को और शानदार बनाएं। हम आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे डायलॉग करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ आगे पहुंचाना चाहते हैं। आप हमें फीडबैक दे रहे हैं, हम उस पर अमल भी कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम को और बेहतर बना रहे हैं। हमें फीडबैक दीजिए, हमें ईमेल कीजिए, हम इंशाल्लाह आप तक भी पहुंचेंगे। रिजवान जाफर को कराची की बात से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। एज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, कॉस्मोपॉलिटन सिटी, आप क्या समझते हैं इंतजामिया तौर पे इसको कैसा होना चाहिए था? यूनिटी ऑफ कमांड जिसे कहते हैं कि एक दायरे के मातहत सारी इंतजामिया हो, चाहे वो पानी के सिलसिले में हो, सड़कों के, घरों के, ईंधन की सप्लाई के, वगैरह वगैरह। आज हम हैं इब्राहिम हैदरी में। अस्पताल ना होना, स्कूल ना होना और सड़कें कच्ची होना, खेल के ग्राउंड ना होना, मैदान ना होना, जिसकी वजह से ना बच्चे खेल सकते हैं, ना प्रॉपर इलाज हो सकता है, ना प्रॉपर तालीम मिल सकती है उनको। हिस्ट्री जो है वो शहरों की और शहर जो है वो मुल्कों से ज़्यादा अहम हो, क्यों कहा था? कायरो जो है इट्स ओल्डर देन इजिप्ट, कराची इज ओल्डर देन पाकिस्तान, एथेंस इज ओल्डर देन ग्रीस। सिटीज़ की इम्पोर्टेंस जो है हमेशा रही है हिस्टोरिकली, ग्लोबली भी सिटीज़ का जो रोल है ना वो अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते जाएगा।